हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक विद जीजी में। दोस्तों, अगर आप इस समर वेकेशन में कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं और आप किसी हिल स्टेशन में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको इंडिया में टॉप 15 प्लेसेस बताने वाला हूं जहां पर आप इस समर वेकेशन में जा सकते हैं। तो ये जो मैं प्लेसेस कवर करने वाला हूं, इनके मैं आपको ट्रिप प्लान यहां पर नहीं दूंगा, इनके लिए सेपरेट वीडियोस या तो चैनल में अवेलेबल है या तो आने वाली है। लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ प्लेसेस के नाम बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों, जो नंबर वन प्लेस है वो है कश्मीर। दोस्तों, बेसिकली कश्मीर के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। आप जम्मू तक ट्रेन ले सकते हैं जिस प्लेस से भी आप आ रहे हो, फिर जम्मू से आप बाय रोड जा सकते हैं। 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है जम्मू से, तो 8 to 9 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि सीनरी एंजॉय करते हुए जाएं तो आप जरूर रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और अल्टरनेटिव है जो टाइम भी आपका सेव करता है और बजट फ्रेंडली भी है, वो है फ्लाइट। आप सोच रहे होंगे फ्लाइट कैसे बजट फ्रेंडली हो सकती है। तो दोस्तों, श्रीनगर के लिए दिल्ली से और चंडीगढ़ से बहुत ही सस्ते रेट में आपको फ्लाइट मिल जाती है अगर आप 1 month या 2 month पहले बुकिंग करा लें। कई बार आपको 1500-1200 इस रेंज में भी फ्लाइट टिकट्स मिल जाती है, स्पेशली चंडीगढ़ से। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, कश्मीर में आप आराम से 4 to 5 days एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आप कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर एंजॉय कर सकते हैं। पूरे ट्रिप प्लान की वीडियो जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। काफी प्यार मिला है आप लोगों का उस वीडियो पे मुझे, तो उस वीडियो को आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, जो नंबर 2 पर है वो है दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक। तो बेसिकली आप नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाएंगे। दोस्तों, यहां पर अगर मैं नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करूं तो बागडोगरा एयरपोर्ट है। वहां से आपको 73 किलोमीटर बाय रोड जाना पड़ेगा फिर, और 73 किलोमीटर की जर्नी आप 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे दार्जिलिंग के लिए। और अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक जाना होगा बाय ट्रेन, एंड देन अगेन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाय रोड आपको ट्रेवल करना होगा। 4 hours, 5 hours तक लग जाते हैं। दोस्तों, आपके पास एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसको आप सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आपके पास टाइम हो और आप टिकट पहले से बुक करा पाए तो, वो है दोस्तों टॉय ट्रेन, बेसिकली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इसका आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली 7 hours की जर्नी होती है न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा टॉय ट्रेन का। और दोस्तों, अगर दार्जिलिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम बताऊं तो पद्मजा, नायडू, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क आप विजिट कर सकते हैं, टाइगर हिल आप विजिट कर सकते हैं, पीस पगोड़ा आप घूम सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों आप राफ्टिंग के मजे ले सकते हैं। तो दोस्तों, दार्जिलिंग में बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं गैंगटॉक की, तो दोस्तों जो गैंगटॉक है वो दार्जिलिंग से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 3 hours की जर्नी है। तो आप दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक दोनों एक साथ ही कवर कर सकते हैं। और गैंगटॉक में दोस्तों आप नथुला पास एंजॉय कर सकते हैं, गणेश टॉक, हनुमान टॉक, रूम टेक मोनेस्ट्री, इसके अलावा एमजी मार्ग वॉक, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर भी एंजॉय करने के लिए। नाउ दोस्तों, जो नंबर 3 पर है वो है ऊटी, और साथ साथ में आप कुन्नूर भी कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ऊटी पहुंचने के लिए आप कोयम्बटूर पहुंच सकते हैं सबसे पहले बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन, और कोयम्बटूर से 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आपको बाय रोड कवर करना होगा, 3 hours की जर्नी है। और अगर आप चाहें तो मेट्टुपालयम भी पहुंच सकते हैं, वहां से जस्ट 50 किलोमीटर है और 2 hours की जर्नी है। तो दोस्तों, बेसिकली ऊटी जो है वो एक काफी खूबसूरत प्लेस है तमिलनाडु में। यहाँ पर आप बहुत सारे प्लेसेस एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ऊटी में आप तमिलनाडु टूरिज्म ऊटी बोट हाउस एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप डोडा बेटा पीक एंजॉय कर सकते हैं, बोटनिकल गार्डन एंजॉय कर सकते हैं, रोज गार्डन एंजॉय कर सकते हैं, टी फैक्ट्री टूर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो काफी कुछ है ऊटी में करने के लिए। और दोस्तों, ऊटी से ही 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है कुन्नूर, तो आप वहां भी जरूर जाइए अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो। यहां पर दोस्तों आप सिम्स पार्क एंजॉय कर सकते हैं, टाइगर हिल सिमेंट्री एंजॉय कर सकते हैं, लैम्स रॉक एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप कुन्नूर पहुंचने के लिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे का यूज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी आपके लिए। नाउ दोस्तों, जो नंबर 4 पर है वो है मनाली। बेसिकली दोस्तों, मनाली में आप बड़े आराम से 3 to 4 days एंजॉय कर सकते हैं। मनाली के लिए आप चंडीगढ़ या दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मनाली के लिए जो फ्लाइट है वो काफी कॉस्टली पड़ती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाय रोड ही जाइए। वैसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है मनाली के लिए वो जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये भी काफी दूरी है, तो आप चंडीगढ़ या दिल्ली से बाय रोड ही ट्रेवल कर सकते हैं डायरेक्टली। दिल्ली टू मनाली दोस्तों 536 किलोमीटर है, 12 टू 15 आवर्स की जर्नी है, आप काफी एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। दोस्तों, आप मनाली में सोलांग वैली, रोहतांग पास, इसके अलावा मनु टेम्पल, हिडम्बा देवी टेम्पल, इसके अलावा दोस्तों आप कुल्लू जा सकते हैं, कुल्लू में राफ्टिंग एंजॉय कर सकते हैं, इसके अलावा मणिकरण जा सकते हैं, मणिकरण भी एक बहुत अच्छा प्लेस है। तो बहुत कुछ है मनाली में भी करने के लिए। नाउ दोस्तों, नंबर 5 पे है नैनीताल। दोस्तों, नैनीताल के लिए आप दिल्ली से बाय रोड जा सकते हैं, 6 to 7 hours की जर्नी है, या इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा बाय ट्रेन। आप बेसिकली दिल्ली से खाट गोदाम तक बाय ट्रेन जा सकते हैं, अगेन 5 to 6 hours की जर्नी ही है,
और उसके बाद खाट गोदाम से जस्ट 1 आवर की जर्नी है नैनीताल की, तो आप कोई भी लोकल बस या टैक्सी यूज कर सकते हैं नैनीताल पहुंचने के लिए। दोस्तों नैनीताल में भी आप एटलीस्ट 3 to 4 days एंजॉय कर सकते हैं। नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट, नैनी लेक, श्री माँ नैना देवी टेम्पल, टिफिन टॉप, मॉल रोड, ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि आप 3 to 4 days एंजॉय कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नैनीताल के पास में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आप जिम कॉर्बेट भी जरूर जा सकते हैं। नैनीताल से ये जस्ट 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको लगते हैं पहुंचने में। बहुत अच्छा प्लेस है, आप जरूर एंजॉय करिए। नाउ दोस्तों जो नंबर 6 पर है वो है शिलोंग। दोस्तों ये मेघालय में है और अगेन आप नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएंगे। और शिलोंग जो है दोस्तों बेसिकली जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है उमरोई, जस्ट 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लेकिन फिर आपको फ्लाइट बहुत कॉस्टली मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर एयरपोर्ट नहीं है, तो बेस्ट रहेगा कि आप गुवाहाटी चूज करें। गुवाहाटी आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं या बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं किसी भी प्लेस से। गुवाहाटी से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 3 आवर्स की जर्नी है। दोस्तों शिलोंग में भी आप एटलीस्ट 3 to 4 days एंजॉय कर सकते हैं। शिलोंग में नोह कालिकाय फॉल्स, उमीम लेक, डॉन बॉस्को म्यूजियम, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, इसके अलावा आप डे ट्रिप्स में भी जा सकते हैं, तो बहुत कुछ है शिलोंग में भी आपके पास करने के लिए। नाउ दोस्तों नंबर 7 पर है शिमला, अगेन आप नॉर्थ के साइड आ गए हैं। दोस्तों शिमला जाने के लिए आप चंडीगढ़ से बाय रोड जा सकते हैं, 4 आवर्स की जर्नी है, जस्ट 112 किलोमीटर ही है। और आप दिल्ली से भी जा सकते हैं, 8 to 10 आवर्स की जर्नी है, 342 किलोमीटर है बेसिकली दोस्तों। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है शिमला जाने के लिए वो होता है टॉय ट्रेन। दोस्तों टॉय ट्रेन के लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। इतने सारे आपको व्यूज दिखेंगे रास्ते में कि आप पूरे रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिकट आप बहुत ज्यादा एडवांस पे बुक करा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत जल्दी सेल हो जाती है टॉय ट्रेन की टिकट्स, क्योंकि बहुत ही फेमस है। दोस्तों आप शिमला में भी 3 to 4 days बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। शिमला में मॉल रोड, द रिज, झाकू टेम्पल, ये सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला से थोड़ा सा अगर आप आउटसाइड जाएंगे तो शोघी बहुत अच्छा प्लेस है एंजॉय करने के लिए, कुफरी बहुत अच्छा प्लेस है, चैल बहुत अच्छा प्लेस है, तो ये बहुत ही अच्छा टूर आपका बन सकता है 3 to 4 days का। नाउ दोस्तों नंबर 8 पर है मसूरी। बेसिकली दोस्तों मसूरी जो है वो आप दिल्ली से बाय रोड जा सकते हैं, 290 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 7 आवर्स की जर्नी होती है, 7 to 8 आवर्स की। लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बाय ट्रेन जाइए। आप दिल्ली से देहरादून के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले लीजिए, देहरादून से जस्ट 1 आवर की जर्नी है, 34 किलोमीटर है मसूरी। और जो दिल्ली से देहरादून की जो ट्रेन जर्नी है वो भी ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स। दोस्तों मसूरी में भी आप 2 to 3 days बड़े आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट एंजॉय कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे वाटरफॉल्स एंजॉय कर सकते हैं, मॉल रोड एंजॉय कर सकते हैं, कैमल्स ब्लैक रोड एंजॉय कर सकते हैं। नौ दोस्तों जो नंबर 9 पर है वो है मुनार। तो आप अगेन पहुंच गए साउथ। मुनार बेसिकली दोस्तों केरला का एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। मुनार जाने के लिए आपको पहले कोची पहुंचना होगा। कोचीन के लिए दोस्तों आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं या फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों जब आप कोचीन पहुंचेंगे तो वहां से मुनार जाने के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं है मुनार में, तो 4 आवर्स की जर्नी होती है, 127 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आप अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाइएगा कोचीन से मुनार के लिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जिनको आप एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। मुनार के लिए और केरला के लिए एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है चैनल में, आप जरूर जाकर उसे देख लीजिए, आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। दोस्तों मुनार में आप बड़े आराम से 2 to 3 days एंजॉय कर सकते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क एंजॉय कर सकते हैं मुनार में, आप स्पा एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मुनार की स्पा बहुत फेमस है, आप टी प्लांटेशन टूर के लिए जा सकते हैं। आप दोस्तों मट्टूपेटी डैम एंजॉय कर सकते हैं, उथमेडू व्यू पॉइंट एंजॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ है। इसके अलावा दोस्तों आप चॉकलेट टूर के लिए जा सकते हैं, मुनार की चॉकलेट्स बहुत फेमस है। नौ दोस्तों नंबर 10 पर है महाबलेश्वर। तो दोस्तों महाबलेश्वर पहुंचने के लिए आप वाथर तक वाया ट्रेन जा सकते हैं, और वाथर से फिर 60 किलोमीटर की जर्नी है, बाय रोड आप जा सकते हैं, 2 आवर्स आपको लगते हैं। बट पुणे ज्यादा पॉपुलर है, पुणे तक आप वाया फ्लाइट या वाया ट्रेन पहुंच सकते हैं, और फिर पुणे से दोस्तों 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 3 to 4 आवर्स आपको लग जाते हैं। तो दोस्तों महाबलेश्वर में भी आप बड़े आराम से 2 days एंजॉय कर सकते हैं। एलिफेंट हेड पॉइंट, प्रतापगढ़, इसके अलावा वीना लेक, विल्सन पॉइंट ऑफ सनराइज, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बड़े आराम से महाबलेश्वर में एंजॉय कर सकते हैं। नौ दोस्तों नंबर 11 पर है माउंट आबू, बेसिकली राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन। दोस्तों माउंट आबू जाने के लिए आपको दिल्ली से, जयपुर से, बहुत सारे प्लेसेस से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है।
दोस्तों अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो 12 to 13 आवर्स की जर्नी है वाया ट्रेन। और दोस्तों माउंट आबू में भी आप बड़े आराम से 2 डेज एंजॉय कर सकते हैं। नक्की लेक है, दिलवारा टेम्पल है, टोड रोक है, इसके अलावा दोस्तों सनसेट पॉइंट, रघुनाथ टेम्पल, हनीमून पॉइंट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप माउंट आबू में एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा प्लेस है। नौ दोस्तों नंबर 12 पर है कुर्ग। अगेन आप साउथ के साइड पहुंच गए। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुर्ग के पास में वो है मैंगलोर। 135 किलोमीटर का डिस्टेंस है मैंगलोर से कुर्ग का, तो आपको बाय रोड कवर करना होगा। 4 आवर्स की जर्नी है। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो मैसूर और मैंगलोर दोनों ही ऑप्शन है। मैसूर से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स की जर्नी होती है, तो आप ट्रेन वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों कुर्ग में भी बड़े आराम से आप 2 डेज एंजॉय कर सकते हैं। अबी फॉल्स, गोल्डन टेम्पल, राजा सीट, व्हाइट रिवर राफ्टिंग, इरुप्पू फॉल, ट्रैकिंग, बहुत कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं कुर्ग में भी। नौ दोस्तों नंबर 13 पर है लोनावला। बेसिकली दोस्तों मुंबई के पास एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है, मुंबई से जस्ट 84 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बड़े आराम से आप 3 आवर्स में ये जर्नी कवर कर सकते हैं। और पुणे से जस्ट 66 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 2.5 आवर में ये जर्नी आप कवर कर सकते हैं। यहां पर भी दोस्तों आप बड़े आराम से 2 डेज के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। यहां पर भी दोस्तों आप क्यून पार्क, डेला एडवेंचर पार्क, श्री नारायणी धाम टेम्पल और भी बहुत कुछ है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों लोनावला से ही जस्ट 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है माथेरन, आप उसका भी जरूर एंजॉय करिए। आप दोनों का टूर जो है वो एक साथ ही प्लान करिए। तो दोस्तों माथेरन में आप अलेक्जेंडर पॉइंट, गार्बेट पॉइंट, वन ट्री हिल पॉइंट, इको पॉइंट और इसके अलावा लेक्स का एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों लोनावला एंड माथेरन ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा टूर बनता है। नाउ दोस्तों नंबर 14 पे है कोडाई कनाल। बेसिकली दोस्तों कोडाई कनाल पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है मदुरई में। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है मदुरई से कोडाई कनाल का, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लगते हैं। इसके अलावा अगर आप वाया ट्रेन आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है कोडाई रोड। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 to 3 आवर्स आपको लगते हैं कोडाई कनाल पहुंचने में। दोस्तों कोडाई कनाल में भी आप 2 to 3 डेज बड़े आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। यहां पर आप बरिजम लेक, ब्रायंट पार्क, पिलर रॉक्स रोड, पाइन ट्री फॉरेस्ट, इसके अलावा लेक साइड साइकिलिंग का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। नाउ दोस्तों जो नंबर 15 पर है वो है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। बेसिकली यहां पर है तो ये बहुत अच्छा प्लेस, लेकिन यहां तक पहुंचना जो है वो काफी डिफिकल्ट है। बेसिकली जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है तेजपुर, और ये है 387 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जहां से आपको 11 घंटे लग जाते हैं, 11 आवर्स। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रंगापारा, और ये 330 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और यहां से भी आपको 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप इतनी लॉन्ग जर्नी करने को रेडी हैं बाय रोड तो आप जरूर तवांग के लिए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है तवांग तक पहुंचने के लिए, गुवाहाटी से वीक में 2 बार हेलीकॉप्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है गुवाहाटी से तवांग तक के लिए। दोस्तों तवांग में भी आप बहुत आराम से 3 to 4 डेज एंजॉय कर सकते हैं। सीला पास, तवांग मॉनेस्ट्री, मधुरी लेक, नूरानंग फॉल्स, तवांग वार मेमोरियल, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 15 प्लेसेस हैं जो आप समर में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत फेमस प्लेस है लेह लद्दाख। तो अगर आप वाया बाइक जाना चाहते हैं सीन्स को एंजॉय करते हुए, रास्तों को एंजॉय करते हुए, तो आप लेह लद्दाख के बारे में भी जरूर सोच सकते हैं। वाया फ्लाइट भी आप जा सकते हैं, बट वाया फ्लाइट अगर आप जाते हैं तो जो सीजन टाइम है उस टाइम फ्लाइट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलती है, तो इसके लिए आप टेक केयर करिएगा, पहले से बुकिंग करा लीजिएगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको प्लेसेस बताए हैं उन सब के लिए वीडियोस, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, चैनल पे अवेलेबल है या पब्लिश होने वाली है, तो आप उनके ट्रिप प्लान पूरे के पूरे कंप्लीटली वहां पर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।